अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंसेस टीवी। फिर से मैं लाया हूं एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। बाकी जो इसके पीछे जो क्वेश्चन सॉल्यूशन की गई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी, आप वहां से लिंक को क्लिक कर वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया तो मेरे ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक भी, तो वहां से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम है। तो चलिए अब आठवें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आठवें क्वेश्चन जो बोल रहा है ए एंड बी बी सेट्स, कोई भी सेट्स आप मान लीजिए ए और बी का, सो दैट फंक्शन ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए में है। इस फंक्शन का हम अभी सेट बनाने वाले हैं तो चीजें समझ आ जाएगी। सच दैट, ये अब इमेज के बारे में बोल रहा है कि ए बी का इमेज जो है बी ए के बराबर है। ये इमेज बता रहा है इज बाइजेक्टिव फंक्शन, हमें दिखाना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव का मतलब तो आप थ्योरी में देखे होंगे, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक देख सकते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब है कि वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों साथ साथ अगर हो गया उस फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को पहले इस सेट को मान लीजिए, जब भी इसको सॉल्यूशन करेंगे सॉल्यूशन करते वक्त मानिए कि ए का सेट 1 2 3 है, या ये यहाँ लेट माने हुए हैं क्योंकि सवाल में ही बोल रहा था कि आप कुछ भी आप अपने हिसाब से मान सकते हो। उसी तरह से हम बी का मान लिए कि 4 और 5 सेट में है। जब अगर हम ए और बी को सेट मान लिए हैं तो आप 11th का सेट चैप्टर पढ़े होंगे कि ए और बी का क्रॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए और बी का जो क्रॉस निकालते हैं, पहले नंबर ए रहेगा, ए का मतलब 1 4, फिर रहेगा 1 के साथ 5 1 5, फिर रहेगा 2 के साथ 4 2 4, 2 के साथ 5 2 5, फिर 3 के साथ 4 3 4, और फिर 3 के साथ 5 3 5। एक कोऑर्डिनेट्स में लिखा जाता है ए क्रॉस बी का वैल्यू। अच्छा, ए क्रॉस बी का तो फाइंड आउट कर लिए, हमको बी क्रॉस ए का भी जरूरत है क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए दिया हुआ है, तो हमने तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया, तो अब हमको फाइंड आउट करना होगा बी क्रॉस ए का वैल्यू। तो बी क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बी क्रॉस ए का मतलब है कि बी पहले बाद में ए, तो बी पहले का मतलब हुआ 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 और 5 3। अब यहां तक के तो काम हो गया। अब सवाल बोला है कि ये जो ए बी का फंक्शन है ना, उसका इमेज जो है बी ए में बनना चाहिए, दोनों फंक्शन बराबर है। इसका मतलब कि अगर हम बोले कि 1 4 का इमेज कहां बनाएंगे, तो इसका उल्टा, यानी कि 1 4 का 4 1 में बनेगा इमेज। इसका मतलब ये हुआ, ये सच दैट जो बोला है, मान लिया कि 2 4 का किस में बनेगा, तो 2 4 का जो इमेज बनेगा वो बनेगा 4 2 में, ऐसे करके बोला है। इसी को सच दैट में लिया है कि f ऑफ ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। इसका मतलब है कि उसका उल्टा इमेज बनाना होगा। तो हमने ये देखा कि फंक्शन किस में है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है। तो चलिए हम लोग एक सेट मानते हैं, इस सेट का नाम है ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए होना है, तो इसका हम लोग नाम दे सकते हैं ए क्रॉस बी, इसका नाम दे सकते हैं बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए है, इसका फंक्शन का नाम एफ है, क्योंकि यहाँ सवाल दिया हुआ है फंक्शन कहां से कहां तक, तो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी में क्या क्या वैल्यू आया है, तो 1 4 1 5 2 4 2 4 2 5 3 4 3 5, तो ए क्रॉस बी वाले सेट में इसको पूरा हम लोग भरेंगे। तो यहाँ है 1 4, फिर 1 5 2 4 2 4 2 5 3 4 3 5, ये जितना भी था हम ए क्रॉस बी का वैल्यू ए क्रॉस बी के सेट में डाल दिए। अब बी क्रॉस ए वाला जो वैल्यू है बी क्रॉस ए में डालेंगे, यानी कि 4 1
फोर वन फोर टू फोर थ्री फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री राइट, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमको सवाल ये उठता है कि किसका इमेज किसने बना है, तो किसका इमेज तुमने बोल तो रहा है कि ये बी का जो इमेज बनना चाहिए बी ए में बनना चाहिए, यानी कि उल्टा में बनाना इमेज। वन फोर का इमेज किसने बनेगा तो फोर वन में बनेगा, वन फाइव का उल्टा फाइव वन यहाँ पे बनेगा, टू फोर का फोर टू, टू फाइव का फाइव टू, थ्री फोर का फोर थ्री, थ्री फाइव का फाइव थ्री, ये इमेज क्लियर हो गया। जब हम लोग यहां तक के काम कर लिए तो 100% तो काम कर लिए ना, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है कि क्या ये वन वन फंक्शन है। तो वन वन को चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं मैनिमम को, क्योंकि वन वन और मैनिमम जस्ट अपोजिट रिलेशन है और वन टू और इन टू जस्ट अपोजिट रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे क्या कोडोमेन रेंज बराबर है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोडोमेन में सबसेट का एलिमेंट आ जाएगा और रेंज उसी को बोलते हैं जहां जाकर एरो मिले, जहां एरो जाकर मिलता है वो रेंज होता है। रेंज इसमें भी आ गया, इसमें भी एरो है, इसमें भी एरो है, तो सब रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन किसको कहते हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे पता चला हियर कोडोमेन और रेंज बराबर है। तो जब कोडोमेन और रेंज बराबर है तो ये तो ऑनटू हो ही ना जाएगा, तो ये ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। अब जब ऑनटू फंक्शन हो गया तो हम फिर ना बोल सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब है कि वन वन और ऑनटू फंक्शन दोनों साथ साथ होना, क्योंकि हमको सवाल में बाइजेक्टिव दिखाना है, खाली ऑनटू से काम नहीं चलेगा। तो अब ऑनटू फंक्शन हो गया तो वन वन भी तो साथ में दिखाना है, तो वन वन चेक करने के लिए मेनी वन को चेक करते हैं, क्योंकि वन वन और मेनी वन जस्ट अपोजिट रिलेशन है, दोनों अपोजिट है। तो मेनी वन का एक फार्मूला था कि ए वाले से दो अलग अलग एरो निकल कर सेम में मिले, अलग अलग से निकल कर सेम में मिलेगा तब ना मेनी वन कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग से सेम में कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि मेनी वन नहीं है। और जब मेनी वन नहीं है तो क्या है, वन वन फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेनी वन फंक्शन नहीं है, यानी कि मेनी वन फंक्शन इसलिए नहीं है कि टू और नॉट टू और मोर देन टू एलिमेंट हैव सेम इमेज इन बी, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बी में नहीं बन रहा है, इसके वजह से मेनी वन नहीं है। तो क्या है, वन वन है। और जब वन वन हो गया तो फिर इधर लिख लेंगे कि सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव। तो इस तरह से हम लोग फिगर भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। नवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवा नंबर में क्या है कि फंक्शन दे दिया है नेचुरल टू नेचुरल, और नेचुरल का हम लोग सेट जानते हैं कि एक दो तीन चार से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। यहाँ पे फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल है और यहाँ पे एन में जो फंक्शन दिया है वो बोल रहा है कि एन प्लस वन बाई टू इसका वैल्यू तब करना है जब n एक विषम संख्या हो, n एक ऑड नंबर हो। जब ऑड नंबर रहेगा तो पुट करना है वैल्यू n प्लस वन बाई टू। अगर n एक इवन संख्या है, सम संख्या जैसे दो चार छ आठ, तब हमको क्या करना है, दो से भाग करके इसका मान लिखना है। और हमको अब दिखाना है, शो नहीं करना है, अस्टेट वेदर। अस्टेट वेदर का मतलब होता है कि क्या हो सकता है बाइजेक्टिव कि नहीं हो सकता है, मतलब चेक कीजिए। और यहाँ बोला है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब पूछिए वन वन और ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव तभी होगा जब वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, जैसा कि इसके पिछले सवाल में हम लोग सॉल्व किए बाइजेक्टिव वाला क्वेश्चन। तो तुमको बाइजेक्टिव दिखाना है तो वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अब हमको स्टेट करना है, स्टेट वेदर का मतलब हमको चेक करना है कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। सपोज दैट पहले हम लोग यहाँ नेचुरल का सेट है और फंक्शन एन टू एन है, तो हम लोग पहले बनाएंगे एक सेट, दो सेट बनाएंगे और दोनों नेचुरल का बनाएंगे।
और नेचुरल तो हम लोग जानते हैं कि एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है। अब एक दो तीन चार पांच ऐसे करके कहां तक? अनंत तक। जितना लिखेंगे तब वो इसमें कंप्लीट नहीं आएगा। एक दो तीन चार इसलिए भी नेचुरल का सेट है तो आगे बढ़ते चल जाएंगे। डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत तक। अब इसमें जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम एफ है। फंक्शन जो है एन से एन है, एल उधर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर एक विषम संख्या होगा तब हमें क्या करना है, एक जोड़ के कुछ भाग करना है और जब उसका वैल्यू इतना आएगा तो उसमें जाके एरो मिला देना है। अब अगर एन एक इवन संख्या होगा तो खाली दो से भाग करके और जिसमें एरो जाएगा उसको मिला देना है। चलिए यहां से देखते हैं। हम अगर चेक करते हैं वैल्यू को किसमें, अब यहाँ चेक इस बात का कि किसका किसमें एरो जाकर मिलेगा। हम अभी चेक करते हैं एन का वैल्यू एक लेते हैं। तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि एन कौन सी है, एक सम है कि विषम है? तो आप बताएंगे कि विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहेगा तो एक जोड़ देना दो से भाग करना है। तो एक जोड़ेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे तो दो, और दो को दो से भाग करेंगे तो एक ही ना बचेगा, यानी कि एक लेने पर एक आएगा। क्यों? क्योंकि ऑड वाला ऊपर में रखेंगे, ऑड है तो ऊपर में रख के इनका वैल्यू एक, एक दो और दो से भाग करेंगे तो एक। अब अगर एन का वैल्यू अगर कोई दो ले लिया तो दो क्या है, दो एक सम संख्या है और सम संख्या को खाली दो से भाग कर देना, उसमें जोड़ घटा कुछ मामला नहीं कर रहा है क्योंकि सवाल में ऐसा ही बोला है। तो अगर एन का वैल्यू दो है और दो से अगर भाग करेंगे तो एक मिलेगा, दो एकम दो। एन का वैल्यू चलिए हम तीन लेके चेक करते हैं। तो तीन क्या है, तीन एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या रहेगा तो एक जोड़ के ना दो से भाग करेंगे तो तीन में एक जोड़िए चार और चार को दो से भाग कीजिए तो दो मिलेगा। इसका वैल्यू मिल गया दो। अब अगर एन का वैल्यू हम लोग चार में लेंगे तो एन का वैल्यू चार, चार कौन सी है, सम संख्या। तो सम संख्या रहेगा तो खाली दो से भाग कर देना है तो चार को दो से भाग कीजिए तो बनेगा दो गुना चार। तो यहां से अब आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है। अगर आप चेक करने के लिए बैठेंगे तो पूरा लाइफ गुजर जाएगा और पूरा नेचुरल का सेट आप चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनंत है इसका वैल्यू। तो हम इतना ही को चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि किसमें किसका एरो मिलेगा। एक का इमेज एक में, क्योंकि एन का वैल्यू एक लेने पर एफएन का वैल्यू एक आया है तो एक का इमेज किसमें जाएगा, एक में जाएगा। और दो लेंगे तब पर भी एक में ही जाएगा इमेज, देख लीजिए। अब अगर हम तीन और चार का इमेज कहां कहां बनेगा तो तीन का भी इमेज दो में और चार का भी इमेज दो में बनेगा। अगर कोई आदमी पांच लेता तो पांच कौन सी है, पांच एक विषम संख्या है और विषम संख्या में एक जोड़ेंगे तो पांच और एक छह और छह से दो से भाग कीजिए तो दो तीन छह, यानी कि पांच का भी तीन में बनेगा और छह का भी तीन में बनेगा क्योंकि छह एक सम संख्या है और सम संख्या में दो से भाग करेंगे तो दो तीन छह। तो ऐसा काम कर लिया सेट का। हम आपसे अब ये पूछना चाहते हैं कि कोडोमेन और रेंज बराबर है, कोडोमेन और रेंज बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कोडोमेन और रेंज तो बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोडोमेन अनंत तक है और अनंत तक है और रेंज भी कोई छूट नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि ये कोडोमेन और रेंज बराबर है। तो यहां लिख दीजिएगा हियर इज कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसलिए कौन फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन है। अब थोड़ा सा हम और चेक करते हैं कि क्या ये मेनी वन या वन वन है कि नहीं है। मेनी वन का मतलब होता है कि दो अलग अलग से निकलकर सेम में जाकर इमेज बनाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि तीन और चार अलग अलग है और दोनों का इमेज दो में बन रहा है, यानी कि सेम सेम बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग एरो, दो अलग अलग से एरो निकलकर सेम में जाकर मिलेगा तो उसको बोलते हैं मिनिमम फंक्शन। तो ये मिनिमम फंक्शन हो जा रहा है और जब मिनिमम हो जाएगा तो वन वन नहीं होगा क्योंकि मिनिमम और वन वन जस्ट अपोजिट लेटर है, अपोजिट फंक्शन है। एक होगा तो दूसरा नहीं, दूसरा होगा तो पहला नहीं। तो यहां क्या पता चला कि टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू, यानी कि दूसरे वाले सेट में सेम इमेज बना रहा है, इसलिए ये क्या है, मिनिमम है।
जब मेनी वन है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या नहीं है, तो नोट वन वन, ये वन वन नहीं है। तो अब आपसे सवाल पूछते हैं कि वन वन तो काम गड़बड़ हो गया, वन वन नहीं हुआ है और ऑन टू हो गया है, तो जब ऑन वन नहीं हुआ ऑन टू हो गया तो क्या बाइजेक्टिव होगा? स्टेट वेदर करना था कि बाइजेक्टिव होगा कि बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि एक हुआ दूसरा नहीं हुआ, तो काम तो गड़बड़ है ना। बाइजेक्टिव तब ना बोलेंगे जब दोनों सही होगा, तो इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि डाउ इट इज नॉट बाइजेक्टिव। हम यहाँ पे स्टेट किए कि ये दर्शा दिए बाइजेक्टिव, दर्शा दिए कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं। इसी एक्सरसाइज का दसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फंक्शन है और एक कैसा फंक्शन है, सॉरी सेट है। अब ये सेट है, कैसा सेट है? तो रियल में से तीन नहीं है, लेकिन जितने भी रियल नंबर है उसमें से तीन को हटा देना है और उसको सेट बना देना है, पूरा रियल नंबर का सेट है जिसमें तीन नहीं है। और बी भी ऐसा सेट है कि बी के सेट के बारे में बोल रहे हैं कि पूरा रियल नंबर है लेकिन क्या नहीं है, तो माइनस वन लिखा है यानी कि वन को हटा देना है। और बोल रहा है कि फंक्शन किसमें किसमें है, तो ए से लेकर बी में है, ए टू बी में फंक्शन है। और हम एफ एक्स का वैल्यू दे दिया है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री है। और हमको बोल रहा है कि क्या वन वन और वन टू होगा, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि आप अपने आंसर की बोल सकते हैं संतुष्ट, क्या बोले, आंसर को दिखाएं कि ये वन वन है कि नहीं है, वन वन और वन टू है कि नहीं। तो बोल रहा है कि ईच एफ वन वन और टू, क्या वन वन और टू होगा एफ, चलिए देखते हैं। तो पहला बात कि हमको ए और बी का सेट बनाना होगा। अब कैसा सेट बनाना होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो रियल नहीं है, यहाँ पे रियल माइनस थ्री है और यहाँ कैसा सेट है, तो रियल माइनस वन का सेट है। अब रियल में क्या क्या आता है, तो जीरो, एक, दो और इसके बीच का बहुत सारा संख्या, माइनस एक भी आता है, माइनस दो भी आता है, लेकिन याद रहे कि यहाँ तीन नहीं है, यहाँ तीन जो है इस सेट में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरा रियल संख्या है 2.9 होगा लेकिन थ्री नहीं होगा, 3.1 होगा। इस वाले केस में समझते हैं, जीरो होगा, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, इसके बीच का संख्या होगा, एक के बाद का संख्या दो होगा, इसके बाद होगा, लेकिन एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी बोल रहा है कि आर में से एक को हटा देना है तब सेट बनाना है, और इसके नीचे माइनस टू होगा, इसके भी नीचे होगा। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू कुछ भी लेंगे, तो अगर मान लिया चेक करने के दौरान हमने एक्स का वैल्यू जीरो ले लिया, तो अगर एक्स का वैल्यू जीरो ले लिया तो जीरो में से माइनस टू, माइनस टू, जीरो में से माइनस थ्री, माइनस थ्री, और माइनस टू को अगर माइनस थ्री से भाग करेंगे, माइनस माइनस कटेगा, 2/3 आ जाएगा, 0.6 का रेखीय मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जीरो का इमेज कहाँ बनेगा, तो 0.6 यानी कि जीरो से थोड़ा सा ऊपर बनेगा। जीरो का इमेज कहाँ बनेगा, 0.6 का मतलब है जीरो से थोड़ा सा ऊपर। अगर x का वैल्यू हमने एक लिया तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो अगर एक लेंगे तो एक में से दो गया माइनस एक, एक में से माइनस तीन तो माइनस टू, और इसका आंसर आ जाएगा 0.5, यानी कि एक का इमेज 0.5 में बनेगा जो इसके थोड़ा सा नीचे होगा। अगर मान लिया कि x का वैल्यू माइनस वन लिया है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो अगर माइनस वन लेंगे तो ऊपर बनेगा माइनस थ्री, और यहाँ पे माइनस वन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस वन और माइनस फोर, यहाँ पे क्या बनेगा, तो माइनस वन लेने पे यहाँ पे बनेगा माइनस 3/4, यानी कि 0.7 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि माइनस वन लेने पर 0.7 थोड़ा सा आगे होगा। अच्छा हम बात करते हैं तो x का वैल्यू 5 भी तो ले सकते हैं, तो अगर 5 लेंगे, अच्छा x का वैल्यू 3 ले सकते हैं कि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इधर सेट में 3 है ही नहीं, तो 3 पे लेके हम लोग चेक ही नहीं कर सकते हैं। 5 लेंगे
तो पांच लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या नजर आएगा, पांच में से तीन गया, पांच में से दो गया तीन, पांच में से दो गया तीन और पांच में से तीन गया दो, तो 0.6 समथिंग आएगा, यानी कि दो सॉरी 1.2 समथिंग आएगा, 1.5 आएगा, यानी कि पांच अगर लेंगे ऊपर से तो 1.5 का मतलब है बीच में आएगा। मेरा एक सवाल है कि इसमें से किसी किसी का वैल्यू ऐसा लेंगे क्या जिसमें हमको माइनस में जाकर एरो मिलेगा, यानी कि इसमें से किसका वैल्यू लेने पर माइनस में जाकर वो एरो टच करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स का वैल्यू बहुत सारा हमने दिया, अगर मान लिया एक्स का वैल्यू तो तीन लेगा नहीं, एक्स का वैल्यू दो ले, हाँ दो ले सकते हैं, तो दो लेंगे तो दो में से दो गया जीरो और दो में से तीन गया, तो दो अगर लेने में कितना वैल्यू लगेगा जीरो। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू लेंगे तो क्या निगेटिव में जाकर मैच करेगा, बिल्कुल नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि हम चार लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव, तीन लेना नहीं है हम दो ले लिए तो दो का कितना मिलेगा जीरो, अगर हम एक लेते हैं तो ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव तो पॉजिटिव। आप देख पा रहे हैं कि कितना भी वैल्यू ले लेंगे हम चेक करने के लिए, लेकिन सबका जो इमेज बनेगा ना जीरो से ऊपर में ही जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा, नीचे जस का तस वैसे ही रहेगा, उसमें कभी इमेज जाकर नहीं मिलेगा। तो क्या कोडोमेन और रेंज बराबर हुआ? नहीं हुआ। कोडोमेन और बराबर नहीं, रेंज कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुआ, इसलिए क्वांटम नहीं है। आप हम फिर से बोलते हैं वही बात को दोबारा, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले वाले सेट से कुछ भी वैल्यू लेंगे, कुछ भी वैल्यू लेंगे और इसका जहां पे इमेज बनेगा वो कभी भी नीचे आकर इमेज नहीं बना सकता है, यानी कि कभी इसका जो रिजल्ट है इस फंक्शन पे निगेटिव देगा ही नहीं। अगर नहीं देगा निगेटिव तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुआ, और जब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुआ तो हम लोग अपने निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये ऑन टू नहीं होगा बल्कि इनटू फंक्शन होगा। तो यहां से लिखते हैं, हियर इज कोडोमेन डज नॉट इक्वल रेंज, सो ये क्या है, ये इनटू फंक्शन है, इनटू हो गया क्योंकि ऑन टू होता है कब, जब कोडोमेन और रेंज बराबर होता है, ये इनटू हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, एक और बात कि क्या दो अलग अलग से एरो निकल कर सेम में मिल सकता है, तो कभी नहीं मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे मेनी वन नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि नॉट टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू, सो ये नॉट मेनी वन है, और जब ये मैन्युअल नहीं है तो क्या है, वन वन। इस तरह से हमको आंसर करना था कि क्या वन वन है और टू है, तो हम फाइनली आंसर लिखेंगे कि इट इज वन वन, वन वन है बट नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को हम लोग सॉल्व किए, आप देख पा रहे होंगे कि चीजों को हम लोग कैसे समझ रहे हैं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम तो बोले ही हैं, बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, आपको हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। देखते नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है कि फंक्शन आर में आर है और फंक्शन का वैल्यू दिया है एक्स के पावर 4, और हमको प्रूफ दिखाना है कि कौन कौन सा फंक्शन है। आपके पास बुक होगा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया है कि मेनी वन ऑन वन है, कि वन वन इनटू है, कि नाइदर वन वन नॉर इनटू है, क्या है। तो हम ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ऑप्शन को नहीं लिखे हैं, तो हम ऐसे ही चेक करेंगे और जो रिजल्ट आएगी हम आंसर बताएंगे। तो पहला बात कि फंक्शन किस चीज का है, तो रियल का है, रियल का है तो आर आर, और फंक्शन दिया एफ। अब रियल का सेट है तो जीरो भी होगा, एक भी होगा, दो भी होगा और इसके बीच की संख्याएं भी होंगी,
माइनस टू और इसके नीचे भी। ये भी चूंकि रियल का सेट है तो जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, दो के ऊपर भी होगा और इसके नीचे भी होगा। माइनस एक माइनस दो होगा ये होगा, इसके बीच में भी होगा, नीचे भी होगा। अब ये रियल रियल का सेट है और हमको फंक्शन जो दिया हुआ है वो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर फोर, और हमको प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, हमको फंक्शन को चेक करना है कि कौन कौन फंक्शन है या कौन फंक्शन नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक चेक करते हैं पहले कि किसका इमेज किसमें बनेगा। तो एक्स का वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, तो जीरो के पावर फोर जीरो। आगे चेक करते हैं एक्स का वैल्यू अगर वन लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, एक के पावर चार एक, जीरो का इमेज जीरो, एक का इमेज एक। अगर एक्स का वैल्यू अगर हम माइनस वन लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक का भी पावर चार यानी कि माइनस एक का भी एक में जाएगा एक। देखिए अब अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा कि जैसे ही दो अलग अलग से सेम में गया तो मैनी वन हो गया, क्योंकि दो अलग अलग से सेम में गया तो मैनी वन। आगे नेक्स्ट देखते हैं x का वैल्यू अगर 2 लिया तो एफ एक्स का वैल्यू 2 के पावर 4, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16। अगर x का वैल्यू अगर माइनस 2 लिया तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आया 16। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का भी कहीं जाकर ऊपर 16 में मिलेगा और माइनस 2 का भी कहीं 16 में जाकर ऊपर मिलेगा। एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो आप देख पा रहे हो कि बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी का भी पावर अगर 4 करेंगे तो नेगेटिव में जाकर एरो मिलेगा और नेगेटिव में जाकर एरो नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कि कोडोमेन में पूरा काउंट हो जाएगा और रेंज जहां एरो जाकर मिलेगा वही ना रेंज होगा। यहां पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हियर इज कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉट ऑन टू है, और जब ऑन टू नहीं है तो क्या है, इनटू है, क्योंकि ऑन टू जो है इनटू का उल्टा होता है। फिर देख पा रहे कि क्या दो अलग अलग से सेम इमेज जाकर बन रहा है, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि माइनस वन और वन का इमेज वन में बन रहा है, माइनस टू और टू का इमेज कहीं ना कहीं जाकर 16 में बन रहा है, तो दो अलग अलग से सेम में तो जाकर बन ही रहा है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज, हैज सेम इमेज इन सेट टू। सो ये कौन सा फंक्शन है, तो ये मेनी वन है, और मेनी वन है तो हम बोल सकते हैं कि क्या नहीं है, तो नॉट वन वन। अब ऑप्शन से मिला लेंगे कि कौन सा है, नाइदर वन वन नोर ऑन टू भी हो सकता है, यानी कि आप देख लीजिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन तो आप देख पा रहे होंगे कि इनटू है और मेनी वन है, मेनी वन भी है, इनटू भी है, और नोट ऑन टू है और नोट वन है। तो आप ऑप्शन में देखते हैं, हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे डी में जो ऑप्शन है वो डी में ऑप्शन बोल रहे हैं नाइदर नाइदर वन वन Neither one वन नोट ऑन टू, तो बिल्कुल सही है, ये वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, नाइदर के केस में दिया हुआ था, तो चार ऑप्शन आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फंक्शन आर टू वायर है, यानी कि रियल टू रियल है, और बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू 3x है, और आप ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला है कि कौन कौन फंक्शन है, तो हम चारों फंक्शन को चेक कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली कहने का चार फंक्शन है लेकिन दो ही चेक करना पड़ता है, मेनी वन और ऑन टू। तो चलिए हम लोग सेट बनाते हैं पहले रियल का, और रियल का सेट बनाते हैं, दूसरा भी रियल का सेट बनाएंगे, क्योंकि आर टू आर फंक्शन है, फंक्शन का नाम f है। अब रियल है तो जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, हम लोग को इतना प्रैक्टिस हो गया तो फटाफट काम करेंगे माइनस वन माइनस टू, और रियल है तो इसके बीच का भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जीरो वन और टू, लेकिन उसके ऊपर भी और इसके बीच में भी बहुत सारे अनंत संख्याएं होते हैं माइन रियल में। अब हम लोग को यहाँ चेक करना होगा कि किसका इमेज कहाँ बनेगा, तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो रहा तो एफ एक्स का वैल्यू जीरो में मिलेगा, क्योंकि जीरो को तीन से गुणा करेंगे तो जीरो,
अगर मान लिया x का वैल्यू 1 तो fx का वैल्यू कितना 3, 3 1 जा 3 तो 1 का बनेगा 3। उसी तरह से अगर x का वैल्यू अगर -2 लिया तो fx का वैल्यू बनेगा -6। यानी कि यहां से आपने चेक किया और आगे भी चेक कर पाएंगे तो ये आपको मिलेगा कि यहां से अगर किसी का भी वैल्यू का देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे एरो में निकलेगा जरूर, लेकिन सबका अलग अलग में मिलेगा, किसी का भी एक में नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं x का वैल्यू अगर 1 ले लिया, 0.5 ले लिया, 3 से गुणा करेंगे तो दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। इसका मतलब होगा कि मैनुअल नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग सिस्टम नहीं जाएगा। दूसरी बात कि क्या कोर डोमेन और रेंज बराबर होगा, तो हाँ बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोर डोमेन में सभी है और यहां से जितने भी एरो निकलेगी वो सब कहीं ना कहीं जाकर सेट बी में कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी ही मिलेगी, एकदम गारंटी है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि यहां कोर डोमेन और रेंज क्या है बराबर, तो कोर डोमेन बराबर तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑन टू है, क्या नहीं है तो हम दूसरा बोल सकते हैं कि टू नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चारों फंक्शन को निकाल लेंगे, फिर ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन है, नाइदर वाला कैसे ले रह सकता है ऑप्शन में, तो वैसे मेरे लिए आसान होगा। दूसरा कि क्या दो या दो से अधिक एलिमेंट इधर से निकलकर सेम इमेज बना रहा है, तो नहीं। यहां लिखेंगे नॉट टू और मोर देन टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन सेट टू, ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मेनी वन नहीं होगा, मेनी वन को काट देंगे, इसका मतलब मेनी वन नहीं। तो क्या होगा? तो वन वन होगा, क्योंकि मेनी वन और वन वन जस्ट अपोजिट है। तो ऑप्शन देखते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर वन वन इन टू, तो बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है क्योंकि वन वन भी है यहाँ पे और ऑन टू भी है, ऑन टू भी है, तो वन वन ऑन टू करेक्ट है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.2। और दोस्तों मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहे हैं, हम आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आने वाले हैं। चैप्टर का सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3, अब उसका हम लोग थ्योरी करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे, अगर नए हैं आप तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि यहां से जो भी वीडियो लेटेस्ट डाली जाएगी आपको सीधा नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो बाकी